तो आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग डिवाइसेस। तो आए सबसे पहले हम इस वीडियो के लर्निंग ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। तो पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज। सेकंडली हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे जिससे हम डिफरेंट बेस क्वांटिटीज को मेजर कर सके, और लास्टली हम कुछ प्रोसीजर्स देखेंगे टू कैलकुलेट डिफरेंट ड्राइव क्वांटिटीज। तो आए अब हम अपने फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज। तो इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो ये सब टॉपिक है वो लास्ट वीडियो लेक्चर जिसमें हमने डिफरेंस बिटवीन बेस यूनिट एंड ड्राइव यूनिट पढ़ा था उसकी कंटिन्यूएशन में बनाया गया है, ताकि आप लोगों की इस टॉपिक के अंदर अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके। तो आए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बेस क्वांटिटीज क्या होती है? हमारे पास बेस क्वांटिटीज ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर नॉट डिफाइंड इन टर्म ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज एंड स्टैंड्स इंडिपेंडेंटली। तो कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी के लफ्जों में डिफाइन नहीं हो और इंडिपेंडेंटली स्टैंड करे, उसे हम कहते हैं बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास लेंथ है, लेंथ एक बेस क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हमें किसी और फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती, उसे हम डायरेक्टली मेजरिंग टेप से मेजर कर सकते हैं। इसी वजह से हम लेंथ को बेस क्वांटिटी कहते हैं और इंडिपेंडेंट कहते हैं, यानी किसी भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर वो डिपेंडेंट नहीं है उससे कैलकुलेट होने के लिए। इन एडिशन देयर कॉम्बिनेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अदर ड्राइव क्वांटिटीज, यानी के बेस क्वांटिटीज की ही डिफरेंट कॉम्बिनेशन से हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज बनती है, जिसे हम आगे और डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास की पॉइंट क्या है कि बेस क्वांटिटी के ही एसआई यूनिट्स को हम बेस यूनिट्स कहते हैं, यानी किसी भी बेस क्वांटिटी का जो एसआई यूनिट होता है वो हमेशा बेस यूनिट होता है। उसके बरक्स अगर हम देखें तो हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज है। तो ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती है हमारे पास? ड्राइव क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, जो कि कौन सी यूजुअली होती है हमारे पास? बेस क्वांटिटीज। एंड आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज टू बी कैलकुलेटेड, यानी हमेशा इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें किसी और फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसलिए हम कहते हैं कि ड्राइव क्वांटिटीज आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज टू बी कैलकुलेटेड। तो सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास की पॉइंट क्या है कि ड्राइव क्वांटिटीज के एसआई यूनिट हमारे पास ड्राइव यूनिट कहलाए जाते हैं। इसी की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आज हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला है। स्पीड के अंदर तीन फिजिकल क्वांटिटीज है, एक स्पीड, एक डिस्टेंस और एक टाइम। इन तीन फिजिकल क्वांटिटीज में से डिस्टेंस और टाइम हमारे पास बेस क्वांटिटीज है और स्पीड हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी है। तो हमें कैसे पता चला कि डिस्टेंस और टाइम हमारे पास बेस क्वांटिटी है वाइल हमारे पास स्पीड एक ड्राइव क्वांटिटी है? तो यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो डिस्टेंस लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लेंथ जैसे हमने ऊपर एग्जांपल में देखा कि लेंथ एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे मेजर या कैलकुलेट होने के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, वो खुद ही इंडिपेंडेंटली हमारे पास मेजरिंग टेप से मेजर हो सकती है। और इसी तरह सिमिलर हमारे पास टाइम है, टाइम भी हम स्टॉपवॉच से डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। अगर ऑन दी अदर हैंड अगर हम स्पीड को देखें तो स्पीड इक्वल है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। तो यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो स्पीड की डेफिनेशन क्या बन रही है हमारे पास कि स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी फर्स्टली स्पीड डिस्टेंस और टाइम के टर्म्स में डिफाइन हो रही है, और सेकेंडली स्पीड डिस्टेंस प्लस टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है ताकि हम इसे कैलकुलेट कर सकें। जब तक हमारे पास डिस्टेंस और टाइम नहीं होगा हम स्पीड कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसके साथ साथ अगर हम इनके यूनिट्स को देखें तो डिस्टेंस का यूनिट हमें यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? डिस्टेंस का यूनिट है हमारे पास मीटर और टाइम का यूनिट है हमारे पास सेकेंड्स। और जिस तरह हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था मीटर और सेकेंड हमारे पास बेस यूनिट है, मगर अगर हम स्पीड का यूनिट देखें तो स्पीड का यूनिट हमारे पास क्या है? मीटर पर सेकेंड। यानी जिस तरह हमारे पास स्पीड एक ड्राइव क्वांटिटी है इसी तरह इसका यूनिट भी एक ड्राइव यूनिट है, और इसी तरह डिस्टेंस और टाइम बेस क्वांटिटीज है तो इसकी वजह से इनके यूनिट्स भी बेस यूनिट्स है। तो होपफुली यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। तो हमारा नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय।